इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, दिल है बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इंतजार का टाइम खत्म हुआ, अब हम आते हैं अपने वीडियो पे। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावर बेस एंड एक्सपोनेंट, मींस बेस और उसके ऊपर जो पावर है उसका क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। ठीक है ना, मींस पावर, बेस के ऊपर पावर रहेगा तो उसको कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट तो आपको दिया हुआ है ए ला ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है ना, मींस पावर जो रहेगा तो उसके लिए कुछ ला है, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहले इधर साइड में आप देख रहे हैं तो ला ऑफ एक्सपोनेंट दिया हुआ है और इसके हेल्प से हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो रेडी हैं आप? चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, पहले तो आप वीडियो पे पूरा बने रहें, दूसरे अगर वीडियो पसंद करना पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये ला ऑफ एक्सपोनेंट, ला ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, तो पहले देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए कोई चीज लिखा हुआ है 2 to the power 4, तो 2 को क्या बोलते हैं हम, बेस, दिस इज कॉल्ड बेस, ये क्या हो गया, बेस। और इसको क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं, क्लियर। ठीक है, तो जो पावर होता है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और जिसके ऊपर पावर लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ गए हम पॉइंट पे। फर्स्ट हमारा जो ला ऑफ एक्सपोनेंट में आता है रूल, अगर बेस सेम है, दोनों में देख रहे हैं बेस क्या है, ए है, पावर डिफरेंस है, मींस एक्सपोनेंट अलग है, यहां पे पावर एम है, यहां पे पावर एन है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो बेस ए ही है तो बेस ए ही रहेगा, पावर एडिशन कर देते हैं, तो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, पहला आपका ला ऑफ एक्सपोनेंट में हो गया। दूसरा रूल क्या है, अगर पावर एफ सेम हो, यहां पे देख रहे हैं बेस डिफरेंस है, यहां पे क्या है, यहां पे देख रहे हैं पावर डिफरेंस है, यहां पे बेस डिफरेंस है, यहां पे बेस ए है, यहां पे बेस बी है, बट पावर सेम है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो बेस का मल्टीप्लीकेशन ए बी हो गया और पावर को ऐड करके यहां पे मल्टीप्लीकेशन करके पावर क्या होगा, एम होगा। तो रूल फॉलो हम करेंगे, अगर बेस डिफरेंस हो ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए बी टू द पावर एम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंफ्यूजन है तो देख सकते हैं, मान लीजिए ये 2 to the power 1 है, 3 to the power 2 है, यहाँ पे 2 to the power 2, 3 to the power 2, तो इसका मल्टीप्लीकेशन जनरली क्या होता है, तो आप लिख देते हैं 2 to the 4 और 3 to the 9, क्या लिख देते हैं 36, ऐसे लिख देते हैं। बट जब ला ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो दोनों के एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो हमने कर दिया दोनों के एक ब्रैकेट में। ठीक है ना, यही है ना, यहाँ पे बेस डिफरेंस है तो यहाँ पे भी बेस क्या है, डिफरेंस है, तो इनको ब्रैकेट में लिख दिया, 2 into 3 कर दिया, पावर सेम है तो पावर लिख दिया, तो 3 to the 6 to the power 2, तो 6 to the power 2 इक्वल टू 6 into 6 इक्वल टू 36, तो देख रहे हैं सेम आया आंसर। तो ये ला ऑफ एक्सपोनेंट्स ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे जनरली आप बता तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्लियर हो गया। चलिए दो रूल आपका हो गया, तीसरा रूल क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं पावर एम है, पावर एन है, बेस सेम है, तो इस तरीके का अगर है तो ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन, ये तो आप शुरू से ही करते आए हैं। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा 2 to the power 4 और 2 to the power 2, तो क्या होता है 2 to the power 4 माइनस 2 कर देते हैं तो 2 to the power 2 आता है। ठीक है, या इसको काट देते हैं आप, इसको 4 टाइम्स लिख देते हैं और इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं, तो काट देते हैं तो 2 to the power 2, ठीक है 2 to the power 2, तो ये तो पहले से आपको मालूम है। नेक्स्ट है हमारा 8 to the power m, ओवरऑल पावर यहाँ पे है n, तो ये क्या हो जाएगा 8 to the power mn। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी भी बेस का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, मींस बेस अगर a है पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1, कोई भी बेस हो सकता है, जैसे 2 to the power 0 इक्वल टू 1 ही के बराबर होगा, x to the power 0 इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अनदर है 8 to the power n माइनस एन है, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 1/2 है तो क्या लिख देते हैं 2 to the power minus 1, 1/x है तो क्या लिख देते हैं x to the power minus 1। ठीक है, तो ये तो आपका रेसिप्रोकल हो गया। एंड अदर रूल्स क्या है,
रूट ए, रूट ए का वैल्यू तो मालूम है आपको, ए टू दी पावर 1/2, ऐसे ही क्यूबिक रूट ए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 1/3। तो चलिए ये रूल क्लियर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको बाद में यूज करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देते हैं, अब इसके हेल्प से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी हेल्पफुल क्वेश्चन है। आप कहीं भी जाएंगे, कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, रेलवे के लिए जाते हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम देते हैं जॉब के पर्पज से, तो ये सब में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एसएससी में देंगे या सब में आएगा आपको, रेलवे बोर्ड में या, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन क्या है इसमें, 256 पावर कितने का है, 0.16, 256 to the power 0.09 है। क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं, आप एक बार कोशिश कीजिए, शायद आपसे भी हो जाए। चलिए कोशिश करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी था, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल टू क्या था, ए टू दी पावर एम प्लस एन। कोई डाउट किसी को, तो ये आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेस ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, पावर दोनों का डिफरेंस है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे ए, तो ए यही है, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का यही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया, 2 to the power 256 हो गया, ए है तो 256। अब इसको क्या कर देना है, एडिशन कर देना है, पावर का क्या कर देना है, एडिशन एम प्लस एन, तो 0.16 और 0.09, तो कितना हो जाएगा, 16 और 0.09 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0.25। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.25। किसी को डाउट नहीं ना, अब एक आइडेंटिटी का यूज कर दिया आप, अब आगे आते हैं। अब इसका क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, 256 का 2 1 2 2 2 4 और 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 16, 2 8, 2 4 8 एंड 2 2 ओके, एक बार और डिवाइड कर लीजिए, तो कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 8, यहाँ पे देख रहे हैं ना फैक्टर से कितना आया, 2 to the power 8 आया 256 का वैल्यू। अब यहाँ पे पावर लगा देंगे 0.25, ठीक है। अब देखिए कौन सा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हमारा था अगर ए टू दी पावर एम हो और यहाँ पे मल्टीप्लाई एन हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए टू दी पावर एम एन, ठीक है। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे अभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to the power 8 इंटू 0.25, ठीक है, आइडेंटिटी हमने यूज कर दिया। अब 25 8 जा कितना होता है बच्चों, 25 8 जा 200, भाई 25 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 200 85 जा 40 8 2 जा 16 और 220, पॉइंट है दो डिजिट पे, ठीक दो हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 to the power 2, बात समझ में आ गई ना, 25 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 200 और दो डिजिट पे पॉइंट है तो दो डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, तो 2 to the power 2 और 2 to the power 2 का वैल्यू 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। एक अनदर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर, x to the power 6 देख रहे हैं ना, रूट के अंदर है, यहां से लिख लीजिए x to the power 6 इंटू x to the power 2/3 इंटू -6 है, यहां पे क्यूबिक लगा हुआ है, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे देख रहे हैं x to the power 6, यहां पे स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा, यहां पे 1/2 पक्का, यहां पे नीचे आइडेंटिटी लिखाया गया था x to the power 1/2 के बराबर होता है, x to the power 1/2 कर दिया और इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आइडेंटिटी ए टू दी पावर एम है, एन का मल्टीप्लाई है तो ए टू दी पावर एम एन, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे जैसे है वैसे लिख दिया, यहाँ पे x to the power -6 दिया हुआ है और इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1/3 के, तो 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, आ गए यहाँ पे। अब 2 1 2 2 3 6, तो ये कितने के बराबर हो गया, एक्स क्यूब के, ये कितने के बराबर हो गया, तो x टू द पावर 2/3 के, ये
आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं या यही पे लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी सबके पावर का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर यहाँ पे लिख लेंगे 3, सबके नीचे क्या है बेस 3 है, 3 हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9, एलसीएम ले लेते हैं ना, 1 है तो हमने क्या लिखा 3 लिखा, तो 1 3 कब हो गया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई भी, तो ऊपर का 3 का मल्टीप्लाई 3 3 9, प्लस यहाँ पे 3 है तो ये थी 3 है तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, ठीक है। अब देखिए 9 + 2 11, ठीक है, -6/3, तो एक्स टू दी पावर 11 - 6 किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो किसके बराबर हो गया, इसको नीचे रखना है तो नीचे रख लीजिए, एक्स टू दी पावर, ओह मिस्टेक है, एक्स टू दी पावर 11 - 6 तो 5/3, पॉजिटिव आएगा ना, 11 - 6 5, तो एक्स टू दी पावर 5/3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया सेकंड वाले का। चलिए अभी नेक्स्ट वाला, अगला क्वेश्चन से फ्रेंड, चलिए ये दोनों हो गए तो इसको क्लीन करिए, इसको अच्छे से देखिए क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चंस, x³ x³ and x³, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा बच्चों, पहला रूट ऐसे ही रहने देंगे, यहां से आ जाएंगे, ठीक है, यहां पे आ गए, इसका वैल्यू क्या होगा x³ 3/2, रूट के अंदर है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 3/2 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये x ही रहेगा, आइडेंटिटी यूज कर लिया आपने, ये क्या हो जाता है mn हो जाता है, तो 3 3 9/2। अब ये जब स्क्वायर रूट हटेगा तो ये तो क्यूब ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁴ 9/4, ठीक है, इंटू 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 27/4, अब ये जब रूट हटेगा तो 27/4 2 8, 27/4 क्या हो जाएगा 1/2, तो 27/8 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा x² 27/8, ठीक है, ऐसे आप इजीली इसको देख सकते हैं। अनदर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बच्चों, काफी इजी लग रहा है देखने से ही, ठीक है, तो ऊपर क्या है x + y + z, ठीक है, न्यूमरेटर में आपका ये है, डिनोमिनेटर में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत, xy, ठीक है, माइनस में है तो क्या लिख सकते हैं 1/xy, यहाँ पे 1/yz, यहाँ पे 1/zx, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, ये ऊपर का सेम है, यहाँ का एलसीएम क्या हो जाएगा xyz, ठीक है, यहाँ पे xy है, z नहीं है तो यहाँ पे आ गया, yz है, x नहीं है, zx है, क्या नहीं है, y नहीं है। अब इसको सॉल्व करना तो ईजी है, x + y + z ऊपर रह गया, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होगा तो xyz ऊपर और x + y + z, ठीक है, x + y + z ऐसे लिख दिया, अब ये कट गया, आंसर क्या आ गया बच्चों xyz, ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ वाले का आंसर, ठीक है। अच्छे से देखिए वीडियो को, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को बैक करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है, 3 to the power x, 4 to the power y एंड 12 to the power z, फाइंड z, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, z का वैल्यू पूछा है, ठीक है, ये 12 है, कंफ्यूजन में नहीं, ठीक है, तो यहां पे लिखना है आपको, एक लेट कर लीजिए, 3 to the power x, 4 to the power y, 12 to the power z इक्वल टू k, हमने क्या कर लिया लेट। अब 3 इक्वल टू क्या होगा, तो 3 इक्वल टू k⁻¹। अब कैसे होगा, ठीक है, वो भी बता देते हैं, यहाँ पे 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा k⁻¹ एंड 12 इक्वल टू क्या होगा k⁻¹z, ठीक है, कैसे होगा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x² = 4, ठीक है ना, x² = 4 लिखा है, तो आप क्या करते हैं x = इसका रूट ही लेते हैं ना,
तो कैसे आता है, सेम चीज देखिए, इसको 2 हटाना है तो 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 का मल्टीप्लाई, तो 1/2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर पावर में तो 1/2 यहां पे और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, अभी ये कट गया तो x आ गया और यहां पे क्या आ गया 4 पे पावर 1/2, 4 पे 1/2 का मतलब क्या होता है √4, तो वही चीज है ना, x2 = 4, x = √4, तो ये सिंपल लॉजिक है, आप आइडेंटिटी में भी देखे हैं इसका यूज करके हैं, तो 3 = इतना, 4 = इतना, इतना इतना होगा। अभी देखिए 12 = क्या होता है बच्चों, 12 = 3 × 4, 12 = क्या होता है 3 × 4 के बराबर होता है, तो 3 × 4 के बराबर होता है, तो यहां से देखिए अभी क्या है, अभी 12 का वैल्यू है k^1z, यहां का वैल्यू क्या है k^1z, 3 का वैल्यू क्या है k^1x, इंटू 4 का वैल्यू क्या है k^1y, ठीक है, अभी सबका बेस सेम है, k है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं k^1z = दोनों का बेस सेम है तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, अभी यहां पे बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, तो इसके लिए यहां पे क्या हो जाएगा 1/z = 1x + 1/y, अब इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई, यहां पे एक्स है वाई नहीं है तो वाई आ गया, यहां पे वाई है एक्स नहीं है तो एक्स आ गया, ठीक है, तो 1/z = इतना हो गया, तो z = क्या होगा, तो z इधर क्रॉस जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो z = xy यहां पे आ गया, ठीक है, ये यहां पे चला गया और ये यहां पे आ गया और ये नीचे आ जाएगा तो x + y, ठीक है, तो z का वैल्यू क्या होगा बच्चों xy + (x + y), तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ये समझ में नहीं आया क्या, देखिए इसमें क्या है 1/z = इतना है तो इसको पलट देंगे ना, अभी जेड हुआ मीन्स जेड का आपने रेसिप्रोकल किया, 1/z मीन्स इसको रेसिप्रोकल किया तो जेड ऊपर गया तो ये भी क्या होगा रेसिप्रोकल होगा तो एक्स वाई ऊपर जाएगा और एक्स प्लस वाई नीचे आएगा तो ये जेड का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग रहा, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अच्छे से बस देखते रहिए, अब ये देखिए ये तो ईजी लग रहा है, vi क्या है तो 2^3 / x एंड 3/2 / 2x किसके बराबर है बच्चों 27/8 के हैं, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए आपसे हो पाएगा क्या, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए हो जाएगा, अभी देखिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2^3 x, इसको क्या देख सकते हैं दुगना है, मीन्स 2 times लिखा होगा तभी तो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3^x × 3^x = 27/8, किसी को डाउट है, डाउट है देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा है x × x तो क्या लिखते हैं x² कैसे लिखते हैं, इसका power 1, ठीक है, और इसका power 1, तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है x^1 + 1, तो x^2 क्या हो जाता है 2, तो सेम लॉजिक यहां पे 2x है तो 2 times ऐसे लिख सकते हैं, अभी देख रहे हैं सब पे पावर क्या है x है, अगर सब पे पावर x है पावर सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये आइडेंटिटी आप बैक करके देख सकते हैं, यहाँ पे x हो गया यहाँ पे 27/8, ठीक है, पावर अगर सेम है, ठीक है, तो बेस का हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, आपका ये आइडेंटिटी लिखाया है a^m × b^m, तो क्या हो जाएगा ab^m, ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है तो 2 से 2 कट गया 3 से 3 कट गया, अब 3 × 2 हो गया 3/2 / x, इसको डिवाइड करेंगे जनरली फार्म में तो इसका फैक्टर क्या होगा 3 3 3, ठीक है, 3 3 9 3 27, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3^2 कितने टाइम्स है 3 times है, ठीक है, 3^x यहाँ पे है और ये 3^2 कितने टाइम्स है 3 times है, ठीक है ना 1 2 3 times, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा सेम होगा,
तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी को कुछ डाउट यहाँ पे नहीं ना? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छे से बस बने रहिए वीडियो पे, आपको क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, काफी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सेवेंथ नंबर हमारा है, सेवेंथ नंबर क्या है, ए टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसके बराबर है, 1 के, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इजी हो गया। अभी इसको लिख सकते हैं x a टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस 2। ठीक है, तो ये बेस सेम है a a, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो a टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू 1। अब a टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 1 किसका वैल्यू होता है, अगर पावर जीरो कर दिया जाए तो, पावर अगर किसी भी बेस पे अगर हम जीरो कर देते हैं तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है a टू द पावर x इक्वल टू b, b टू द पावर y इक्वल टू c एंड c टू द पावर z इक्वल टू a के बराबर है, तो फाइंड क्या करना है, x y z का वैल्यू। ठीक है, क्या फाइंड करना है, x y z का वैल्यू। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, चलिए आपके ऊपर है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करना है इसको, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स वाई जेड कैसे आएगा, तो यहां से पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे लिखा है a इक्वल टू c टू द पावर जेड, a इक्वल टू क्या लिखा है, c टू द पावर जेड। अब यहां पे आइए अगला लाइन, a इक्वल टू c का वैल्यू किसके बराबर है, तो b टू द पावर y है। हाँ जी, तो किसके बराबर हो जाएगा, b पे पावर वाई जेड के। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे a इक्वल टू, अब b इक्वल टू किसके बराबर है, a टू द पावर x के, तो b के जगह पे हम क्या रख देते हैं, a टू द पावर x, यहाँ पे क्या है, वाई जेड। ठीक है, अब a इक्वल टू a टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है ना जी, अब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे पावर कितना रहता है, 1 लिखा नहीं जाता पर पावर 1 रहता है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है और यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।